with the diagonal entries x, y, z, then what is A raised to n? Diagonal matrix. One upon x raised to n, one upon y raised to n, one upon z raised to n. Option B. Diagonal matrix. Nx, ny, nz. Option C. Try to understand. You can use the 2x2 matrix and then generalize the idea. Diagonal matrix. X raised to n, y raised to n, z raised to n. Option D. None of these. So see, n equals to 2 के लिए प्रूव कीजिए, वही आपका आंसर आएगा. एन इक्वस टू टू के लिए तो हिंट देते हैं कि पॉइंट होते हैं कि जरूरी नहीं टोटल फॉर ऑल एन यू हैव टू प्रूव. आप किसी एन के लिए प्रूव कीजिए, इसमें से बहुत सारे ऑप्शन चले जाते. तो आपको हम हिंट देते कि ये एक्चुअली है कैसा. एक्स जीरो 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 वाई जीरो 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 जेड, ये आपका एक्स मैट्रिक्स है. इसे डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं. ए रेस स्क्वायर मतलब अभी ए स्क्वायर. आपको बाकी लोगों को हमने मल्टीप्लिकेशन सिखाया है तो कीजिए तुरंत. जिनको मल्टीप्लिकेशन नहीं आता रुक जाइए आप. डायगोनल का मतलब इस तरह से होता है. एक्स जीरो 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 वाई जीरो 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 टू, इसे डायगोनल कहते हैं. डायगोनल एक्स वाई जेड मतलब. अब उसका यंथ पावर, तो हमने आपको बोला है सेकंड पावर लीजिए, नॉट नेसेसरी टू फाइंड ऑल पावर. यस सेकंड पावर लो, सेकंड पावर. तो सेकंड पावर का आपका आंसर क्या आता है देखिए. मतलब ए इंटू ए होगा सेकंड पावर. Find A into A and you will get your answer. हाँ ये क्योंकि मेरा आंसर नहीं मिला आपसे आपसे. Yes. Option C. सब लोगों ने आंसर दिया है. गुड. तो ये स्क्वायर जब आप फाइंड करते हो वेरी गुड. नाइस. नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं है. वो मैंने बोला वो मिस्टेक नहीं है. हमने बोला वो मिस्टेक नहीं है. वो आप कुछ चल रहा था आपके माइंड में तो मैंने वो बोला. व्हाट वाज देयर इन योर माइंड, ये मेरा क्वेश्चन है. मैंने अभी नहीं बोला आप गलत है, आप सॉरी करो, ऐसा नहीं बोल. कुछ तो था इसके ऊपर काम करो. इसकी भी जरूरत होती है कभी कभी, बट प्रॉपर टाइम पे होती है जरूरत. नाउ सी हियर, डायगोनल ऑफ एक्स वाई जेड. तो हमने क्या बोला था कि हम फाइंड करेंगे ए स्क्वायर पहले. हमारा आप लोगों ने आंसर दिया बाकी लोगों के लिए, आप सभी के लिए. ए स्क्वायर क्या होगा? ए स्क्वायर होगा एक्स जीरो 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 वाई जीरो 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 जीरो. तो ये हमारा होगा एक्स स्क्वायर जीरो जीरो. जब हम इसको स्क्वायर करते हैं तो एक्स इंटू एक्स. अब देखो पहला रो पहले कॉलम को मल्टीप्लाई करेगा. एक्स जीरो जीरो एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, बाकी जीरो 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 हो जाएंगे, सिर्फ एक्स स्क्वायर आएगा. पहला रो दूसरे कॉलम को एक्स इंटू जीरो 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 इंटू वाई जीरो जीरो इंटू जेड जीरो, ये सब जीरो आ जाएगा. फिर पहला रो तीसरा कॉलम एक्स इंटू जीरो 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 हो जाए. एक्स स्क्वायर हो रहा है, एक्स स्क्वायर है ना. तो क्या जरूरत है आगे कैलकुलेशन करने की? सिमेट्री लग रही क्या? नहीं आपको सिमेट्रिक है ना, आगे कैलकुलेशन.
सब लोगों को हम बताते हैं। बहुत सारी चीजें सिमेट्रिक होती है, और जो सिमेट्रिक चीजें होती है सेम जैसी, तो उसमें एक चीज से हम हमें समझ में आता है। फ्रॉम वन वी कैन अंडरस्टैंड। तो ये अगर एक्स स्क्वायर आता है तो एक्स स्क्वायर कौन से जगह एन इक्वल्स टू टू पुट करने के बाद आएगा, तो इसमें आएगा ना, तो ये हमारा आंसर होगा, है कि नहीं? तो ये हमारा आंसर है, दैट्स व्हाई ऑप्शन सी था, बाकी कुछ भी जरूरत नहीं। अब ट्राई करके देखो, समझो हमने फर्स्ट रो अभी सेकंड रो जीरो 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 इंटू जीरो जीरो वाई इंटू वाई बराबर वाई स्क्वायर आता, और ये जीरो जीरो और ये जेड स्क्वायर आता, क्योंकि सिमेट्री बताती है, क्योंकि मैट्रिक्स इस तरह का है। तो डायगोनल मैट्रिक्स का अगर कोई कुछ भी पावर हम ले ले, तो वो डायगोनल की एंट्रीज का पावर होता है, पावर ऑफ द डायगोनल एंट्रीज। सीधा साधा, स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, यंत्र पावर लेंगे तो यंत्र, तो इसलिए ऑप्शन सी इज योर आंसर। हाउ टू गो टूवर्ड द ऑप्शन, ये हमारा एम है की पॉइंट के द्वारा। Product of the two matrices. The diagonal matrix का square करने के बाद हमें वो diagonal entries के square आते हैं, diagonal entries का square आता है। We got the square of the diagonal entries. So, some questions to solve as your own. Find a matrix A such that A into the matrix. The matrix is given 1 minus 2, 1, 4. 6 into I2 मतलब 2 by 2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स, those who are new. 6 into I2 का मतलब 1001। इधर मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स तो ये का ऑर्डर होगा m by n और इसका ऑर्डर है n by p, ये दोनों सेम है, और ये m by p जो होती है ना, प्रोडक्ट की ऑर्डर होती है m by p, तो प्रोडक्ट की ऑर्डर 2 by 2 है, इसकी भी ऑर्डर 2 by 2 है, तो ये 2 होगा और m भी 2 होगा, तो ये की भी ऑर्डर 2 by 2 होगी, हिंट मिल गया आपको। तो कंसिडर एनी मैट्रिक्स A इक्वल्स, आपको लेना A इक्वल्स टू ए बी एक्स वाई, इससे आपके इक्वेशन बनेंगे A इंटू दिस मैट्रिक्स, और उससे आपको ए बी एक्स वाई सभी चारों पॉइंट मिल जाएंगे। ये आपके लिए हिंट दिया है, सपोज दिस, सब लोगों को मल्टीप्लीकेशन करके 6i के साथ कंपेयर करना है। 6i का वैल्यू अभी ये भी बताना जरूरी है, 6i2 होगा 6006। फिर ये पहला एंट्री है दोनों के प्रोडक्ट का, पहला एंट्री किससे इक्वेट करना है, दूसरा एंट्री 0 से इक्वेट करना है, तीसरा जो एंट्री है दोनों के प्रोडक्ट का वो 0 से, और चौथा एंट्री 6 है, आपको मिल जाएगी वैल्यूज ऑफ 6006। समझ में आया आपको, हिंट समझ में आई क्या सभी को? ही कैलकुलेशन मत करो अभी, सिर्फ प्रॉब्लम लिख लो हिंट के साथ, यू कैन सॉल्व, यू हैव दिस एबिलिटी। जो नए उनके लिए भी थोड़ा प्रयास करते जाइए, मल्टीप्लीकेशन तो आपको आता है। हाँ ठीक है, ठीक ठीक, देखिए ये हमारा इक्वेशन है, आपके पास दिया है मैट्रिक्स A इंटू 1 माइनस 2, मैट्रिक्स A इक्वल्स
पहला रो आपका दिया है 1-2, और उस -2 और ये दूसरा रो है 1-4, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आपका मैट्रिक्स आता है 16x5। तो आपको फाइंड करना है ये व्हाट इज द मैट्रिक्स। तो कैसे फाइंड करना है ये, उसमें आपको ये मालूम होना चाहिए I2 का मतलब 1001। तो 6I2 होगा आपका, 6 से मल्टीप्लाई करने के बाद 6006। ये पॉइंट आपको समझ में आया सर? RHS होगा 6006। अभी LHS में जाएंगे, LHS में हम ऊपर लिखते हैं, ये जो ये है इसका ऑर्डर M/PN और इसका ऑर्डर N/P रहता है, सब प्रोडक्ट का ऑर्डर जो रहता है M/P, ये ऐसा रहता है, ये होती है ऑर्डर ऑफ द प्रोडक्ट। तो हमारे ऑर्डर की प्रोडक्ट की ऑर्डर क्या है 2/2, तो M क्या हुआ आपका 2 और P क्या हुआ 2, चलो तो एक M और P के दो वैल्यू मिल गया। अब हम जाएंगे प्रोडक्ट कब पॉसिबल होता है, जब ये दोनों सेम होते हैं, मतलब N, तो इसका N क्या है, ये है 2/2, इसके ऑर्डर नहीं मालूम एक ही ना, एक ही ऑर्डर हम फाइंड करें, तो इसका मतलब ये 2 वैल्यू है, N की वैल्यू 2 होगी, एक ही ऑर्डर हो गई 2/2। एनी डाउट इन दिस केस, आपको एन के एक ही ऑर्डर में कुछ प्रॉब्लम है एक ही ऑर्डर में? चलो तो आपको मैट्रिक्स ए को कन्वर्ट करना है, कंसिडर करना है, मैट्रिक्स ए 2/2 आपको एक मैट्रिक्स कंसिडर करना है, तो आप लोग उसे कंसिडर करेंगे ए बी एक्स वाई। अब ए बी एक्स वाई एक की जगह आप लोग पुट करेंगे, ए बी एक्स वाई जो है आप एक की जगह पुट करोगे और यह मल्टीप्लीकेशन फिर आप लोग फाइंड करोगे, कौन सा ए इंटू दिस मैट्रिक्स, और वो इसके साथ इक्वेट करेंगे, पहला नंबर पहले को, दूसरा नंबर दूसरे को, तीसरा फोर्थ, इससे आपको इक्वेशन मिलेंगे साइमल्टेनियस जैसे, और उस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है, ये हमारा हिंट था। चलो भरा ट्राई करो, कुछ लोग अगर फाइंड करे तो हम भी ट्राई करें आपके साथ, ए बी एक्स वाई, तो हमारा होगा ए बी एक्स वाई 1-2 1-4 6006। ए प्लस वाई -2x+4y, तो आपके ये जो ये भी के वैल्यू रहेंगे वही एक्स वाई के वैल्यू रहेंगे, आपको सिर्फ ए भी फाइंड करना है, ए प्लस बी 6 आएगा, -2a+4b 0 आएगा, बराबर है आपका, बी का वैल्यू 2 है,
और ए का वैल्यू 4 है, सिमिलरली एक्स का वैल्यू भी आपका 4 है और वाई का वैल्यू 2 है, तो यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ, तो आपको आपके पास हम बराबर है। नहीं, एक्स वाई 3 का ऐसे 3 नहीं यार, ये दूसरा इक्वेशन कंसिडर करो ना, -2x + 4y6 है ना, एक्स और वाई में थोड़ा चेंज हो सकता है। हाँ हाँ 2x + 2y0, तो 6y6, ए और बी अलग है बट सिमिलरिटी है, बट थोड़ी डिफरेंट सिमिलरिटी, सिमेट्री बोलते हैं उसको, सिमिलरिटी ए प्लस बी 6 हुआ, -2a + 4b 0 हुआ, तो 2a + 2b 12 हुआ, 12 + 0 12 हुआ, 6b 12 हुआ, b 2 हुआ, तो a 4 हुआ। अभी x + y 0 होता है, मतलब x and y are negative of each other, x is -1 and y is +1, नहीं हाँ ये देखो, x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू +1 है क्या? टेल मी द आंसर फास्ट, 5 मिनट रह गए। हाँ, अभी इतना तो है आपको, आगे करना है, चलो आप सॉल्व करेंगे। तो आपके लिए कुछ क्वेश्चंस देते हैं, इक्वेशन सॉल्व करने थे, कुछ भी नहीं, a + b 6 था और -2a + 4b 0 था, आपको इक्वेशन सॉल्व करने थे ना, इक्वेलिटी ऑफ मैट्रिसेस। जो लोग नए हैं उनको थोड़ी दिक्कत आएगी, बट आप कर सकते हो, फाइंड वैल्यू ऑफ x, फाइंड x जब ये जो मैट्रिक्स प्रोडक्ट है, मैट्रिक्स है 2 0 7, ये क्या दो एंट्रीज से आपको मिलेगा, 0 1 0, 1 - 2 1, शायद ये प्रॉब्लम हुआ है, इनटू -x 14x 7x, सब में एक्स है, 0 1 0, एक्स इसमें भी एक्स है, -4x - 2x इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो कोई बताएगा मुझे एक्स का वैल्यू क्या है तुरंत? की पॉइंट क्या है आपका? ये 1 है ना, ये 1, और इधर एक पहला एलिमेंट लो ना सिर्फ, बस, यस वेरी गुड नाइस, एक ही निकालना है ना, बाकी के बारे में चिंता ही नहीं करनी आपको। यस 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 So write down the question. You have the matrix A is 0 0 4 0, then what is a raised to 16? इसका एक का आंसर आया, x is 1/5, ये आंसर है इसका, x का वैल्यू 1 बताए, तो ये मल्टीप्लाई करो सब रो सब कॉलम, आपको कंप्लीट प्रोसेस करना है।
लेकिन पहला रो पहले कॉलम में हमें फाइव एक्स मिलता, और इसमें फाइव एक्स वन को इक्वेट करेंगे तो एक्स हमें मिल जाएगा 1/5। ओके आप ट्राई कीजिए। a^16 कितना आएगा आपका? a^16 ए स्क्वायर करके देखो कितना आता है, ए स्क्वायर बताइए a^16 कितना आएगा इस मैट्रिक्स का 0040 का? यस बराबर है, बराबर है, जीरो आता है, जीरो, यू गॉट इट एट जीरो, वेरी नाइस, बस सही। तो हम आगे के प्रॉब्लम आप लोगों के लिए दिखाते, बराबर है, ए स्क्वायर जीरो आता तो बाकी सब जीरो आ जाता, जरूरी नहीं ए स्क्वायर से हमें सबके आंसर मिलते। चलो हम लास्ट मिनट टू सॉल्व एज यूर ओन। पहला प्रॉब्लम आपके पास दिया है मैट्रिक्स वन टू थ्री फोर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर 3125, इसका सॉल्यूशन भी मिलता है आपको, नेट पे मिलेगा, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर 711 K23 फाइंड के NCERT एग्जाम्पलर। के फाइंड करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन ए स्क्वायर इक्वल टू के, इसमें ए दिया है ऐसा, अभी दूसरा ए स्क्वायर इज के, वेर ए इज 2 - 2 - 2 2 फाइंड के 2 - 2 - 2 2 मैट्रिक्स है ए स्क्वायर के में, तो आप इसमें ए को के से मल्टीप्लाई करो और ए का स्क्वायर कीजिए और इक्वेट कीजिए, एक एंट्री से आपको मालूम मिल जाएगा, एक ही एंट्री से, नॉट मोर देन टू एंट्री। के का वैल्यू 4 आ सकता है, चेक इट। ठीक है अभी आज के लिए इतना ही, हम आपके लिए ये दो प्रॉब्लम दिए सर, A17 अभी मैंने भी नहीं चेक किया, हाँ वो दूसरा के 4 है, बराबर है, ये पहला चेक नहीं किया, तो दैट इज एंड ऑफ आवर सेशन, थैंक यू वेरी मच।